नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 11 जून गुरुवार दोपहर 12:15 बजे बीकानेर, चूरू और जोधपुर की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। बीकानेर जिले में शराब के ठेके पर लूट का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर जामसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोग एक बोलेरो में सवार होकर आए। बदमाशों ने ठेके पर मौजूद सेल्समैन से मारपीट की। बदमाश शराब और करीब 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी ले गए। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बीकानेर के दंतोर में अज्ञात धमाके से एक व्यक्ति के हाथ पैर में चोट आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक ने दिए बयानों के आधार पर पुलिस ने बताया कि युवक बकरियां चरा रहा था, उसी दौरान अचानक धमाका हुआ और उसके हाथ पैर में चोट लग गई। हालांकि पुलिस को मौके पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर जिले के नया शहर थाने में एक महिला ने अपने पति व उसके दोस्त के खिलाफ जबरदस्ती विषाक्त पिलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि उसके पति और दोस्त ने उसको जबरदस्ती विषाक्त पिलाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दिहाड़े एक व्यापारी से 2 बाइक सवार रुपयों से भरा बैग छीन कर ले गए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित सादासर निवासी राजाराम पुत्र रामेश्वर लाल सोनी ने मामला दर्ज करवाया है कि जसरासर थाना क्षेत्र के सादासर गांव में सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम करता है। बुधवार की दोपहर में वह कार लेकर बीकानेर आया। उसके पास एक बैग था जिसमें करीब 1 लाख रुपए, 36 ग्राम शुद्ध सोना व 1 जोड़ी सोने के कानों के झुमके थे, जो अज्ञात युवक छीनकर फरार हो गए। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। बीकानेर जिले के MGSU कैंप्स में छात्रों से ले रहे 2 गुना फीस का विरोध किया गया। जानकारी के अनुसार एम और MSc के विद्यार्थियों से लेट फीस ली जा रही है। विद्यार्थियों को कहना है कि 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, जबकि फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 25 मार्च थी, जिस कारण विद्यार्थी शुल्क नहीं जमा करवा पाए। इसके लिए SFI ने जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिद्धू ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अगर लेट फीस का फैसला वापस नहीं लिया गया तो SFI आंदोलन करेगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से RPS अधिकारियों की जारी स्थानांतरण सूची में चूरू जिले के 2 DSP का स्थानांतरण किया गया है। चूरू में अब राहुल यादव और राजगढ़ में रामप्रताप बिश्नोई DSP पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्थानांतरण सूची के अनुसार चूरू DSP सुखविंदर पाल सिंह को महिला अपराध अनुसंधान सेल भरतपुर लगाया गया है। वहीं राहुल यादव महिला अपराध अनुसंधान सेल श्री गंगानगर को चूरू DSP पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह से SC ST सेल चूरू के DSP रामप्रताप बिश्नोई को राजगढ़ DSP पद पर लगाया गया है। चूरू के राजल देसर में हाईवे 11 पर राजल देसर से परसनेऊ की तरफ से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित पेट्रोल पंप पर एक कार चालक करीब 32,000 रुपए का डीजल भरवाकर बिना रुपए दिए ही भाग गया। रतनगढ़ की तरफ करीब 5 किलोमीटर दूर जाकर कार पलट गई। इधर बिना रुपए दिए कार चालक के भागने की सूचना पर पुलिस नाकाबंदी करवाई। कार पलटने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कार व डीजल से भरे जेरिकेन जब्त किए। कार की तलाशी में कुछ दस्तावेज और 4-5 फर्जी नंबर प्लेट भी पुलिस ने बरामद की है। हालांकि कार सवार भाग गए। चूरू पुलिस प्रशासन की तरफ से बुधवार देर शाम जारी स्थानांतरण सूची में जिले के 3 थाने के SHO को बदला गया है। वहीं 2 को थाने की जिम्मेदारी दी गई है। सूची के अनुसार राजल देसर SHO सुरेंद्र राणा को चूरू जिला विशेष शाखा में साइबर सेल कार्यालय के प्रभारी पद पर स्थानांतरित किया गया है। हमीरवास SSO तेजवंत सिंह को राजल देसर SHO लगाया गया है। छापर SHO राजीव रॉयल को चूरू पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया गया है, जबकि सुजानगढ़ के SI राकेश सांकला को छापर SHO की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह चूरू पुलिस लाइन के SI सुभाष चंद्र को हमीरवास SHO की जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के समस्त राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और विधि शिक्षा के संस्थानों के पंचवर्षीय और त्रिवर्षीय विधि पाठ्यक्रम के अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने संबंधी गाइडलाइन जारी की है। इसमें अंतिम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं। अगर विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा से दिक्कत होती है तो विश्वविद्यालय इसके लिए अन्य विकल्प तलाशेगा। अंतिम वर्ष के अलावा शेष बचे इंटरमीडिएट सेमेस्टर छात्रों को प्रमोट करना होगा। ये छात्र पिछली परीक्षा और आंतरिक परीक्षा से मिले प्राप्तांकों के आधार पर अगली परीक्षा में प्रमोट होंगे।
जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में प्रबंध मंडल की 11वीं बैठक बुधवार को आयोजित की गई। विवि के कुलपति डॉक्टर बीआर चौधरी ने विश्वविद्यालय में चल रहे कृषि शिक्षा, उन्नत बीज उत्पादन, अनुसंधान प्रसार शिक्षा, आधारभूत व नवीन निर्माण कार्यों, नवीन परियोजनाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों के बारे में अवगत करवाया। कुलपति डॉक्टर चौधरी ने विवि के 60 करोड़ के बजट का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा डेयरी प्रौद्योगिकी कृषि अभियांत्रिकी के शैक्षणिक सत्र 2020-21 से पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की स्वीकृति, विवि के पुनरीक्षित कानून, विद्यार्थियों के प्रवेश प्रक्रिया, फीस निर्धारण, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर नवीन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने सहित प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा आगामी कार्य योजनाओं के बारे में बताया। प्रदेश में महामारी कोरोना से लड़ाई में भीलवाड़ा के बाद जोधपुर सुपर मॉडल बनकर उभरा है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने 21 मार्च से अब तक 92 दिनों में 1,02,845 सैंपलिंग के रिकॉर्ड से संक्रमण की हर चेन का बखूबी मुकाबला किया। 4 लॉकडाउन के 71 दिनों में 79,125 जांचों से संक्रमितों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया। इसका नतीजा ये रहा कि शहर के 4 में से 2 हॉटस्पॉट नागोरी गेट और उद्यम मंदिर में संक्रमण काफी हद तक काबू में आ गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.